में उन्हीं लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो लीक से हटकर अपने असूलों और अपने सिद्धांतों पर चलकर जीवन बसर करते हैं। और शायद उन्हीं के लिए कहा गया है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही रास्तों के फासलों को कलम से कम करने का अज़्म किया मशहूर साहित्यकारा मृदुला गर्ग ने। तो आज हम पढ़ेंगे उनका संस्मरण, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित बहुत सुंदर रचना है। यह रचना विभिन्न स्त्रियों के साहस, उनकी विचारधारा, उनके जीवन जीने के तरीके और उनके आत्मविश्वास का परिचय देती है। इसमें किसी एक स्त्री के जीवन को आधार मानकर रचना नहीं लिखी गई है। इस कहानी में बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने जीवन को अपनी शर्तों पर व्यतीत किया और उसे आधार दिया। इस रचना में चार पीढ़ियों की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, परंतु अलग परिवेश और स्वभाव की होने के बाद भी उनके जीवन में स्वयं के अस्तित्व को लेकर स्वतंत्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। लेखिका इस कहानी में अपनी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों और स्वयं का उल्लेख करती हैं। ये पूरा पाठ स्त्री जीवन पर आधारित रचना है। स्वयं के व्यक्तित्व को बनाए रखते हुए समाज में रहना और लीक से हटकर कार्य करना अचंभित करता है और अन्य स्त्रियों को भी प्रेरित करता है। और इसमें सभी बहनों का भी उन्होंने उनकी कमियों और विशेषताओं को भी बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब हम यहाँ पर पाठ को एक सार के रूप में देख लेते हैं कि इस संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में सुना बहुत था। तो लेखिका को पता चला कि उनकी नानी परंपरावादी थी, अनपढ़ थी और पर्दा प्रथा मानने वाली औरत थी। पर्दा प्रथा यानी कि जब उस समय में घूंघट डालकर स्त्रियां रहती थीं। तो लेखिका ने नाना के शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की नाना ने, और वे विदेशी शान शौकत से जो है जिंदगी बिताने लगे, क्योंकि उन पर जो है वो वहाँ का प्रभाव पड़ गया, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो नानी ने अपनी पुत्री को, यानी कि जो लेखिका की माँ है, उनकी शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र और जो कि स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी थे, उनको सौंप दिया और वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर, साहब यानी किसी जो अंग्रेजी रंग रूप में रंगा हो, जो अंग्रेजों का जिन पर ज़्यादा प्रभाव हो, उससे ना करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो है वो एक सच्ची भावना वाली स्त्री थी, उनमें साहस था। देखो, जीवन भर पर्दे में रही और फिर भी उन्होंने जो है किसी पराए पुरुष से मिलने की हिम्मत की। तो इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चलता है। तो लेखिका जो है उनके इन्हीं गुणों के कारण प्रभावित थी। अब यहाँ पर लेखिका के जो माँ है उनके जीवन के विषय में भी हम देख लेते हैं। लेखिका की माँ जो है वो उनकी शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो गई। दुबली पतली थी, खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए जो है बहुत मुश्किल कार्य था। अब पिता जो थे उनके पास तो कुछ था नहीं, तो परंतु माँ की जो ईमानदारी है, सुंदरता है, नज़ाकत है तथा निष्पक्षता है, इसी भावों से जो लोग थे वो बहुत प्रभावित थे। अब लेखिका यहाँ कहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसी नहीं कहा, यानी यहाँ पर इसका मतलब है जैसे भारतीय माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, घर परिवार को संवारती है ना, एक अच्छी बहू साबित होती है, एक अच्छी पत्नी होती है, लेकिन उन्होंने इस तरह से उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, संगीत सुनने का बहुत शौक था। और इस संस्मरण में जो है वो कुछ इस तरह से भी कहती हैं कि जो
माँ हैं वो अगर किसी दिन खाना अच्छा नहीं बना है तो आप समझ सकते हैं कि वो किसी अच्छे साहित्य को पढ़ने में व्यस्त हैं, है ना। तो उनके अंदर जो गुण थे वो एक तो ये गुण था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक ये था कि वो किसी एक की जो गोपनीय बात है वो दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। तो इस कारण जो माँ है उनको घर में बहुत आदर मिलता था और उनकी दोस्ती जो है वो बाहर वालों से बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है वो अपनी माँ से वो प्रभावित रही, क्योंकि वो बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहती थी और किसी के जीवन में ताक झांक करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और इसी तरह जो है अब परदादी के विषय में याद करते हुए लेखिका जो है वो लिखती हैं कि लेखिका की जो परदादी हैं वो भी लीक से हटकर चलने का उन्हें शौक था, है ना। लीक से हटकर चलना यानी कि जो परंपरा के अनुसार चलना है उससे न चलकर वो अपने ही विचारों के हिसाब से जो है चलती थी। उन्होंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी जो पतोहू का पहला बच्चा है वो लड़की हो। देखिए उस समय की बात है जब सिर्फ लड़के की ही कामना की जाती थी, पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन उन्होंने उस समय में भी जो है पहला बच्चा लड़की के रूप में मांगा। तो अब गांव वाले जो हैं इस ऐलान को सुनकर बहुत हैरान थे और उनके मुंह जो है वो खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि गांव वालों को इस बात का अनुभव था कि उनके तार जो है वो सीधे ऊपर वाले से जुड़े हैं, यानी कि भगवान के घर में उनकी अर्जी जो है वो मंजूर हो जाती है और भगवान ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। अब इसी के साथ जो लेखिका हैं वो अपनी परदादी के उस किस्से को याद करती हैं जो उन्होंने होश संभालते ही सुना था, यानी कि चोर का किस्सा है जिसका हृदय उन्होंने परिवर्तित कर दिया था। तो एक बार की घटना है कि जब घर में सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे, क्योंकि उस समय जो है वो बारात में सिर्फ जो है वो मर्द लोग जाते थे और औरतें जो हैं वो घर में रहती थीं और घर में रहकर जो है वो नाच गाना जो है वो रात को किया करती थीं। तो लेखिका की परदादी जो है वो शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हैं और तभी चोर जो है वो सीन लगाकर उस कमरे में घुस आता है। अब परदादी की जो है वो नींद खुल जाती है और वो जानती हैं कि यहाँ कोई आया है तो कोई जो है वो अनजान है यानी कि चोर है। तो उन्होंने चोर से जो है एक लोटा पानी लाने को कह देता है और वो चोर जो है वो उन बुढ़िया के आगे जो है वो झुक जाता है और कुएं से पानी लेकर आता है और परदादी जो है वो पानी पीती हैं और आधा लोटा जो है वो चोर को भी पिला देती हैं। तो इस तरह जो है वो चोर के साथ जो बातचीत की गई और उन्होंने जो है चोर का मन बदल दिया और दादी ने जो है बड़ी सरलता से अपने लोटे से चोर को पानी पिलाकर उसे अपना धर्म पुत्र बना लिया और अब ये सहज था कि पुत्र अपने घर में चोरी नहीं करेगा। तो सीधी सरल दादी ने एक खूंखार चोर को एक साधारण किसान बना दिया। तो इस तरह की घटना जो है वो याद करती हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जो है वो लेखिका के मन पर पड़ता है, उनके लेखन में भी आ जाता है। तो अब इसी के साथ हम लेखिका मृदुलागर की दादी की बात कर लेते हैं। तो लेखिका की दादी जो है वो सहनशील और विनम्र स्वभाव की थी। वो अपनी बहू से जो है बहुत प्रेम करती थी, यानी घर में जो है अंग्रेज़ी जो है उनका उसका प्रभाव था। लेखिका की माँ के बीमार होने पर दादी घर के सारे काम जो है मर्दों से करवाती थी, सब उनकी बातें सुनते थे, घर में प्यार और विश्वास का माहौल था, है ना। उसी घर में तो देखिए ना परदादी ने जो है पतोहू के यहाँ पहली संतान लड़की के रूप में मांगी थी, तो वे बड़ी समझदारी से घर को चला रही थी और लेखिका का जो परिवार था वो एक संयुक्त परिवार था। तो इस तरह जो है उनकी दादी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो है काम से काम रखने वाली हैं, घर गृहस्थी के कामों में निपुण थी, मितभाषिणी थी और व्यवहार कुशल थी। तो इसी तरह जो अब लेखिका का परिवार है इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था, तो इसलिए वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल ना हो सकी। और लेखिका की चारों बहनें इस बात को लेकर कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि वे लड़की हैं, और पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी और उनका घर का नाम जो है वो रानी था। और दूसरे नंबर पर लेखिका थी और उनके
जो घर का नाम था वो उमा था, और लेखिका की छोटी बहन का घर का नाम गौरी था और बाहर का चित्रा था, और उनसे जो छोटी बहन है वो रेणु और अचला थी। तो पांच बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। अभी के राजीव भी जो हैं वो अपने बहनों के इस साहित्यिक प्रभाव से कहाँ बच पाते, तो वे भी जो हैं वो हिंदी में लेखन करने लगे, और अचला जो थी वो अंग्रेजी में लिखने लगी। अब रेणु का स्वभाव जो है विचित्र था। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी, क्योंकि उनका विचार था कि जो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं वो उस व्यवस्था के खिलाफ थी। तो पैदल चलकर पसीने से तर होकर वह घर आती थी, और उन्होंने जो है वो बीए पास करना भी उचित नहीं समझा, लेकिन पिता की जिद थी और पिता के कहने पर उन्होंने जो है वो बीए पास किया। अब इसी तरह लेखिका जो है अपनी तीसरी बहन चित्रा के बारे में जो है वो याद करती हैं और लिखती हैं कि उनकी बहन चित्रा जो थी वो पढ़ने में कम और पढ़ाने में जो है वो अधिक रुचि लिया करती थी, इसलिए उनके जो है वो कम अंक आते थे, और उनके जो शिष्य थे यानी जिन्हें वो पढ़ाती थी उनके अंक बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करने का ऐलान कर दिया था कि वह शादी करेंगी तो उसी से, और उसी के साथ उनकी शादी हुई। तो यहाँ पर जो माहौल हम देख रहे हैं वो इस तरह का था कि कभी भी जो है ये पांच लड़कियाँ थी, लेकिन कभी भी इन्होंने ये महसूस नहीं किया कि हम लड़कियाँ हैं या स्त्री जाति हैं, और घर में जो है वो खुला और साहित्यिक माहौल इन्हें मिला, और तीनों भाषाएँ जो हैं वो इनके घर में बोली जाती थी, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी। तो उसका प्रभाव इनके लेखन में कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो अब ये जो है वो सबसे छोटी बहन अचला पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी, और उसने पिता की पसंद से शादी की थी। उन्हें भी जो है वो लिखने का रोग लग गया था, और सभी ने शादी का निर्वाह भरे प्रकार किया, और इन सभी ने जो लिखने का कार्य किया है वो 32 साल की उम्र के बाद आरंभ किया था, यानी कि अपने घर गृहस्थी में जो है वो पूरी तरह से उन्हें संभाल कर जो है बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े हो गए, तो उसके बाद इनका जो है वो लेखन आरंभ हुआ। तो लेखिका जो है शादी के बाद बिहार के कस्बे डालमिया नगर में रहीं, और वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने कई नाटक किए, और इन्होंने जो है वहाँ पर इस तरह का माहौल वहाँ पर कर दिया कि जो पहले जो उड़ीपंथी लोग थे वो नारी जागृति के कार्य में लग गई, शादीशुदा औरतों को जो है पर पुरुषों के साथ नाटक में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया, है ना। इसी के भांति उन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में जाकर एक नया जो है प्राइमरी स्कूल खुलवाया। लेखिका की जो बहन थी वो रेणु भी ऐसे ही धुनकी पक्की लड़की थी, है ना, उसे स्कूल से घर लौटते समय गाड़ी से आना पसंद नहीं था, इसलिए पैदल घर आती थी, है ना। भीषण बरसात वाले दिन उसका अकेले स्कूल में जाना ये प्रमाणित करता है कि वह अकेले राह पर चलना जानती थी, है ना। ये दोनों जो व्यक्तित्व हैं ये मौलिक थे और विचारवान थे, और अपनी राह पर स्वयं चलने की हिम्मत रखते थे। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि जो मेरे संघ की औरतें हैं यानी कि इनके घर परिवार में जो औरतें थीं उनका प्रभाव जो है इनके जीवन पर बहुत अधिक पड़ा, और इसी के चलते ये लोग जो हैं वो साहित्य जगत में आए और इन्होंने अपना वहाँ पर बहुत नाम कमाया।